राम राम सामे, आज बात पानी की। जी हाँ, उसी अनमोल पानी की जो आसमान से आता है, बूंदों में गाता है, पहाड़ों से फिसलता है, नदियों में चलता है, नहरों में मचलता है, कुएं पोखर से मिलता है, खपरेलों पे गिरता है, गलियों में फिरता है, मोड़ पर संभलता है, फिर आगे निकलता है। वही पानी जिसे उर्दू में आब, मराठी में पानी, तमिल में कन्नी, कन्नड़ में नीर, बंगला में जोल कहते हैं, संस्कृत में जिसे नीर, अमृत और अंबु भी कहते हैं, ग्रीक में इसे एक्वाप्योरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में ओ और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। जी हाँ, ये पानी जब आंखों से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पर चढ़ जाए तो रुआब बन जाता है। हाँ, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। जी हाँ, पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इस पानी को बनाया नहीं जा सकता, इस पानी को उगाया भी नहीं जा सकता, अपनी मर्जी से इसे बरसाया भी नहीं जा सकता। पानी को तो बस बचाया जा सकता है और बचाकर ही बढ़ाया जा सकता है। पानी से ही हर जीव जिंदा रह सकता है। किस तरीके से इस पानी को बचाया जा सकता है, किस तरीके से खेती में कुछ नवाचार करके इस पानी को बचाया जा सकता है, जिससे कि अगली पीढ़ी को हम इसे नेमत के रूप में सौंपे, आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं राम राम साहब। तो आइए प्रारंभ करते हैं राम राम साहब। जी हाँ, इस पानी को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न सरकार की तरफ से हो रहे हैं। जल स्वावलंबन योजना की बात करें, पानी बचाओ की दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो काफ़ी सारे प्रयास इस पानी को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। परंतु एक और शख्सियत है जो पिछले कई सालों से पानी बचाने के लिए समर्पित है, जिन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे सिर्फ 1 लीटर पानी से आप एक पेड़ को हरा भरा रख सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुंदराम वर्मा। सुंदराम वर्मा जी 1971 में BSc कर चुके थे मैथमेटिक्स से। सुंदराम वर्मा जी ने कई सारी नौकरियों के ऑफर, क्योंकि उस समय पर BSc अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करती थी जो कि गणित से है, बहुत सारे ऑफर सिर्फ इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने गांव, अपने देश, अपने समाज के लिए खेती करनी थी। एग्रीकल्चर में उन्हें लोगों को जागरूक करना था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्हें विकसित करनी थी जिसके लिए कि वो पैदा हुए हैं। जी हाँ, आज हम आपका परिचय करा रहे हैं सुंदराम वर्मा जी से। सुंदराम जी, सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राम राम साहब। टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से आपको प्यार भरा राम राम साहब। सुंदराम जी, क्या कारण ऐसा रहा कि आपने BSc की 1971 में आपने BSc की मैथमेटिक्स से, और उसके बाद आपने नौकरी ना करने की ठानी? जिस समय मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी जी, उस समय विज्ञान के अध्यापक के रूप में सीधी नियुक्ति हो जाती थी जी। मेरी भी 3 बार नियुक्ति हुई, मैंने कभी ज्वाइन करने की भी नहीं सोची जी, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था कि मैं खेती करूँगा और खेती में जो भी समस्याएं हैं उनके आने वाली, उनको निराकरण करने की कोशिश करूंगा। मैं इसी ध्येय के साथ खेती में आगे बढ़ना चाहता था जी, और मैं अपने कार्य में सफल भी हुआ। जी हाँ, जिस समय आपने ये डिसीजन लिया, जिस समय आपने फैसला लिया, जिस समय आपने निश्चय किया, वो समय वो था जब हरित क्रांति के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा था, लोग आकर्षित हो रहे थे। आप भी शायद उन्हीं कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने हरित क्रांति में सहयोग किया जी। 1970 में अकाल पड़ा था जी, और बेहतर तक लगातार पानी की कमी रही बरसात की जी, हाँ। तो उससे काफ़ी महंगाई बढ़ी थी और उस दौर में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी जी, और 80 का जो दशक है वो इस तरह का था कि हरित क्रांति इसके आगे पीछे काफ़ी अपना नया रूप ले चुकी थी जी, और उस दौर में मैंने भी अपनी ओर से काफ़ी नई तकनीकी, नए बीज, इनका सबका इस्तेमाल किया और जो अपना अनुभव था खेती का उसको उसके साथ जोड़ते हुए काम किया और मैं काफ़ी इसमें आगे रहा। मेरा परिवार पहले भी खेती में अपने समय में कुछ अग्रिम लोगों की श्रेणी में आता था जी, लेकिन जब कुछ नई तकनीकी आई, नए बीज आए जी, और विभागीय रूप से काफ़ी कुछ इस काम को आगे बढ़ाया गया, तो हरित क्रांति के रूप में मैं भी इसमें सम्मिलित हुआ और अपने अनुभव का उपयोग करते हुए इस कार्य को काफ़ी आगे तक लेके गया। आपके साथ के लोग जो आपके उस समय की ग्रेजुएशन में आप लोगों के साथ थे, उन्होंने नौकरी ज्वाइन की होगी, नौकरी की भी होगी, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपका वो फैसला गलत था? नहीं, ऐसा है कि मेरे साथ के, मेरे बैच के जितने भी जो लोग थे जी, वो लगभग
इक्के दुक्के डॉक्टर इंजीनियर भी थे जी, बाकी जो सामान्य शिक्षा में गए थे वो भी लगभग प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए थे जी। लेकिन मुझे संतोष है कि मैं जब शुरुआत शिक्षा प्राप्त की थी उस समय मैं खुद सीखने जाता था कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग आदि सभी चीज़ों में। लेकिन मैं सन 2000 तक आते आते इस स्थिति में पहुंच गया कि मुझे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या संस्थाएं हैं या विभाग हैं या दुनिया के दूसरे देशों में भी हैं, वहां मुझे बुलाने लगे कि आपके क्या अनुभव हैं, आपने किस तरह से खेती को एक नया रूप दिया और किस तरह से इसमें आगे बढ़े। तो मुझे मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर सकता था। हो सकता है कि बहुत कुछ आर्थिक दृष्टि से क्या स्थिति होती मैं ये नहीं जानता, लेकिन जो प्राप्त किया है मैंने, पूरी दुनिया देखी है और दुनिया में गया हूँ, अपने विचार वहाँ रखे हैं और वहाँ से कुछ सीख के मैं यहाँ आया हूँ, तो वो काम मैं शायद नहीं कर सकता। हाँ, किसी सही कह रहे हैं आप, अगर कहीं पर आप प्रिंसिपल होते, टीचर होते, लेक्चर होते तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। और कुछ पुरस्कार आपने जीते हैं, कुछ जगहों पर आपको सम्मान प्राप्त हुआ है, वो सम्मान भी आप नहीं मिल पाते, आपको मिल पाते। मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं कि आप किस किस स्तर पर अब तक सम्मानित हो चुके हैं। आप इसको सौभाग्य कहिए या विडम्बना कहिए, जी मुझे पहली बार जो पुरस्कार मिला वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला। जो कनाडा में एक संस्था है इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, वहाँ से मुझे एग्रो बायोडाइवर्सिटी का जो अवार्ड है वो सबसे पहले मिला 1997 में। उसके बाद में नेशनल अवार्ड जो पहली बार शुरू किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, जगजीवन राम किसान पुरस्कार, पूरे देश में एक ही होता था, वो भी कुछ से किसानों ने जो नवाचार किया है, नया काम किया है, उनके उनको दिया जाता था। तो जो पहला पुरस्कार शुरू हुआ भारत सरकार का वो 1998 में मुझे मिला था, मुझे उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद तो स्टेट अवार्ड और उसके बाद में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उसके बाद में शुरू हुए थे। जी हाँ, और अब तो आप लोगों को असल में रिकमेंड करते हैं कि इन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए या ये प्रगतिशील किसान हैं जिन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्यों? सही है वो ऐसा है कि मैं थोड़ा शिक्षित था जी, तो खेती की कोई भी बारीकियां, कोई भी तकनीक समझने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि खेती मेरा अनुभव था जी, परिवार का अनुभव था और शिक्षा मेरी विज्ञान थी, तो उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। और एक राजस्थान में एक 1995 के आसपास, 95 में है, कृषि विभाग में एक अच्छा कार्यक्रम हुआ था जो हनीबी नेटवर्क से हुआ था, तो उसमें जो भी राजस्थान के नवाचार करने वाले किसानों को इकट्ठा किया गया था, तो मेरा भी नंबर आ गया। तो मैं उस समय हनीबी नेटवर्क से जुड़ गया और हनीबी नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है कि जो गांव में कम पढ़े लिखे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उनका काम इतना अच्छा है कि उसको आगे आना चाहिए जी। तो ऐसे लोगों के लिए काम करता है, तो वो फिर मुझे भी उस श्रेणी में रखा गया हनीबी नेटवर्क की तरफ से। तो मैं उस काम को आगे, उसका एक प्लेटफार्म मिला और उसमें आगे बढ़ा। और आपको मैं बताऊँ कि एक सृष्टि फार्मर, हनीबी नेटवर्क को जब आगे बढ़ाया गया तो वो एक सृष्टि संस्था आई, तो सृष्टि फार्मर के रूप में मैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा खेती का सम्मेलन होता है जिसको इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस कहते हैं जी, वो 1996 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ, तो उसमें मेरा पहली बार प्रेजेंटेशन हुआ। और उस प्रेजेंटेशन में मेरी रुचि देख के और उसके बाद में ही जो कनाडा की जो IDRC है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर है, उन्होंने मुझे एक एग्रो बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया, जिसमें मुझे उस अवार्ड के तहत राजस्थान में जो मुख्य फसलें बोई जाती है उनकी देसी प्रजातियां हैं उनको इकट्ठा करने का काम था। तो मैंने सुनाराम जी, हम आपके विषय की तरफ आए उससे पहले एक और छोटा सा प्रश्न। हाँ, आपकी पत्नी भी आपकी बराबर भागीदार है इन कामों में और वो भी कुछ नया कर चुकी हैं, कुछ नवाचार कर चुकी हैं। देखो, जो भी कोई भी, चाहे किसान हो या कोई और क्षेत्र हो जी, उसमें कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसमें परिवार का
अहम रोल रहता है और बिना परिवार के सहयोग के ऐसा काम हो नहीं सकता। तो उसमें पति पत्नी सबसे ज़्यादा नज़दीक रहती है, सबसे बड़ी भी होती है परिवार में, तो वो उसका काफ़ी सहयोग रहा मेरे अपने अनुसंधान के कार्यों में और उसने अपना खुद का अनुसंधान किया। हाँ, वो क्या है वो जानना चाहेंगे। वो एक ऐसा है कि उन्होंने एक फसलों में दीमक का एक स्थानीय नुस्खा तैयार किया। जी, वो क्या करती थी कि जब खेत में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने आती थी, जाती थी, लकड़ी लेकर जाती थी, तो खेत में कई तरह की लकड़ियां होती हैं। जी हाँ। उसने महसूस किया कि जब वो सफ़ेदा, जिसको हम नीलगिरी भी कहते हैं, यूकेलिप्टस भी कहते हैं, उसकी लकड़ी जब उसने खेत में उठाती थी तो उसको लगा कि उसके नीचे हजारों वो दीमक आके इकट्ठी होती थी। जी, दीमक तो सब लकड़ियों के नीचे होती हैं लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा होती थी, ये आकर्षित करती थी। हाँ, तो उसने वो सोचा कि क्या ये दीमक को अगर फसल की कतारों के बीच में रख दें तो शायद फसल छोड़ सकती है और इस दीमक इस पे ही आ जाएगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि वो खाना पसंद करती है इस लकड़ी को, सफ़ेदे की लकड़ी को। तो उसने उसको सफ़ेदे की लकड़ी को फसल के बीच में रखा और इतना अच्छा परिणाम रहा उसको कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने इस पर 3 साल का प्रयोग किया और उसने उन्होंने एक और चीज़ जोड़कर इतना अच्छा तरीका तैयार किया कि अगर जो भी फसलें हम बोते हैं उसको नीम तेल से उपचारित कर लें बीज को, और उपचारित करने के बाद में सफ़ेदे की लकड़ी के टुकड़े उस फसल में बीच में रखते हैं तो किसी भी केमिकल से जो भी, चाहे एल्ड्रीन हो या और कोई दवा हो, उससे जो बचा होता है उससे भी अच्छे परिणाम इस सफ़ेदे की लकड़ी के आए। तो इस तरह से उसको जो उस समय कृषि मंत्री थे शरद पवार साहब और मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब, उन्होंने फार्मर साइंटिस्ट का अवार्ड दिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उनको जोनल अवार्ड, इसका 50,000 रुपये का अवार्ड दिया था, तो वो नेशनल अवार्ड मिला था उनको। सुना राम जी, अब हम बात करते हैं उस तकनीक की जो आपने विकसित की। क्या आप परंपरागत खेती कर रहे थे, उसमें कुछ नवाचार भी कर रहे थे, कई किस्मों की तरफ काम कर रहे थे, आपकी पत्नी भी दूसरी तरफ काम कर रही थी, पानी बचाने की तरफ आपका ध्यान कैसे गया और इस तरह की जो तकनीक आपने विकसित की उस तरफ आप कैसे बढ़े? देखो, जो पेड़ लगाने का हमारा अभियान है, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे संस्थाओं की तरफ से हो, पूरी दुनिया में एक ये धारणा है कि जो पेड़ लगें, जितने ज़्यादा लगें उससे क्लाइमेट चेंज में जो हो रहा है उसमें तापक्रम की जो वृद्धि हो रही है उसमें उसको रोकने में थोड़ी सहायता मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करता है ये। जी, तो पेड़ हर तरह से फायदेमंद है, चाहे इसके उपयोग में कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं समझता कि सब जानते हैं पेड़ों, पेड़ हमारा जीवन है, मैं यहाँ तक भी कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, तो जब पेड़ लगाने की बात आती है विशेषकर राजस्थान में। जी, सुनाराम जी, एक बार आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है जो कि फोन लाइन पर मौजूद है, हो सकता है वो भी आपसे इस बारे में कुछ पूछना चाहें, पहले हम उनको भी साथ में ले लेते हैं और उसके बाद इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। जी, राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम जी। हाँ, राम राम साहब। राम राम। राम राम साहब, प्रश्न पूछिए अपना। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ जी, मैंने 4-5 गमले लग रखे हैं और उन्हें गुलाब के पौधे लगा रखे हैं। जी, तो उसमें विकास नहीं होता, मतलब फूल आते हैं बहुत लिमिट से आते हैं। मतलब कहाँ से बोल रहे हैं आप? रामगंज मंडी, जिला कोटा। रामगंज मंडी से बोल रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका, यही इस कार्यक्रम की। जी जी, सुनाराम जी, कुछ मदद कर पाएंगे इनकी? एक घरेलू दर्शक हैं जो कि अपने घर में जो गमले लगे हुए हैं। रामगंज कोटा से बोल रहा हूँ। जी 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 जी। की देखिए, जो गमले होते हैं उनका एक सीमित दायरा होता है और पौधा है उसको जो भी कुछ मिलता है वो उसी गमले से मिलता है। जी, हम अगर थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी जो पत्तियां हैं, कोई भी पत्ती हो लेकिन अगर उसमें नीम की पत्ती हो तो उसमें कीड़े वगैरह वो भी नहीं लगेंगे, और नियमित रूप से 6 या 12 महीने में एक बार उसके जड़ों के चारों ओर थोड़ा सा पुराना जो खाद या मिट्टी दी गई है उसको निकाल दें और बाकी जो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और उसमें थोड़ी नीम की पत्तियां, सड़ी हुई खाद, इस तरह का मिट्टी में मिलाकर उसके चारों ओर नियमित रूप से दें और नियमित रूप से उसमें पानी थोड़ा थोड़ा देते रहें,
तो मेरा अनुमान है कि वो आपका आपकी समस्या है वो दूर हो जाएगी। जी हाँ, और इसके अलावा गुलाब के पौधे की समय समय पर कटिंग करना भी बहुत आवश्यकता है, जिससे कि जब हम उसकी कटिंग करते रहते हैं तो उसका विकास होता रहता है। आज राम राम सा में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कम पानी में पेड़ों को और फसलों को जीवन दान दिया जाए, किस प्रकार से कम पानी के साथ हरा भरा रखा जाए। यदि आप भी इस संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हैं तो 0141-451-5103 पर फोन करके आज के हमारे एक्सपर्ट से आप सीधा संवाद कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस समय पर हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। जी राम राम सा। राम राम सा जी। एक मीठा नीम का पौधा लगाया जो चल ही नहीं रहा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुलाबपुरा भीलवाड़ा। गुलाबपुरा भीलवाड़ा से बोल रहे हैं। मीठा नीम का पेड़ इन्होंने लगाया हुआ है सर, वो राम राम आगे नहीं बढ़ रहा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इन्हें संक्षेप में जवाब दें क्योंकि आज का सब्जेक्ट कुछ और है। देखिए, कोई भी पेड़ उसके चारों ओर एक तो निराई गुड़ाई नियमित होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पेड़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है पेड़ों में। फिर भी मीठा नीम एक मसाले की फसल भी है, तो इसलिए थोड़ा अगर कंपोस्ट खाद उसके चारों ओर देते रहें तो साल में एक बार तो ये आगे बढ़ सकता है। और बाकी खरपतवार का ज़रूर ध्यान रखें कि चारों ओर इसके निराई गुड़ाई नियमित होती रहे, किसी भी पौधे के लिए ये ज़रूरी है। जी हाँ, सुनाराम जी, अब हम आते हैं वापस अपने विषय पर जिसके लिए कि आज हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। आपने कहा कि आप पेड़ लगाने के काम में लगे हुए थे, कितने पेड़ अब तक आपने लगा दिए हैं? वैसे मैंने 50,000 से ज़्यादा पौधे मैं लगा चुका हूँ इस तकनीक से। जी हाँ, वाकई बहुत अच्छा फिगर है, 50,000 पेड़ आप अब तक लगा चुके हैं। चलिए अब मैं थोड़ी इस तकनीक के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि देखो, जो बरसात होती है पानी ज़मीन पर गिरता है और ज़मीन उसको अवशोषित करती है जी। वो पानी मुख्य रूप से दो तरह से वापस निकलता है और उन दो कारणों में एक कारण है खरपतवार जी, जो लगभग ऊपरी सतह से 1 मीटर की गहराई तक खरपतवार की जड़ें होती हैं। तो खरपतवार की जो जड़ें हैं वो 1 मीटर गहराई तक का पानी बहुत जल्दी बाहर निकाल देती हैं, सोख के और जब वातावरण में निकाल देती है या बड़वार में ले लेती है, खुद काम में ले लेती है, लेकिन जमीन से निकल जमीन से निकल जाता है जी। दूसरा कारण है कि पड़ी हुई जमीन में महीन सुराखें बन जाती है जी, जमीन में पानी की वाष्प बनती है और उसे सुराखें बन जाती है, ठीक है। और इन सुराखों का जो पानी है वो बहुत गहराई से भी बाहर आ जाता है जी। यानी इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि 5 मीटर या 10 मीटर कितनी भी गहराई का पानी जो है वो सुराखों से बाहर आ जाता है और इसको हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में कैपिलरी एक्शन कहते हैं जी। तो कैपिलरी एक्शन से निकलने वाला पानी और खरपतवारों से निकलने वाला पानी, इन दोनों कारणों को रोक दें जी तो फिर जमीन में हमेशा इतना पानी रहता है जितना कि एक पौधे को चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जिस खेत में हमें पौधे लगाने हैं, मैं थोड़ा सा एक बात स्पष्ट ये बताऊं कि कोई एक पौधा हम एक जगह लगाएं, जैसे घर में लगाएं, चारों ओर दूब लगी हुई है या और कोई पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ ये तकनीक काम नहीं करती है जी। हाँ, क्योंकि चारों तरफ से तो वही काम हो रहा है जो कि हम रोकना चाह रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट के पास हो, पंचायतों के पास हो, गौशालाओं के पास हो, स्कूलों के पास हो या किसान के पास में हो, जो खूब परत जमीन पड़ी हुई है, फालतू जमीन पड़ी हुई है जिसमें कुछ नहीं है, और वहाँ अगर पौधे लगाने हैं तो ऐसा जो प्लेन एरिया है जी, वो समतल एरिया है, उसमें अगर पौधे लगाने हैं तो वहाँ यह तकनीक बहुत अच्छी काम करती है जी। तो मैं अब अपनी नई बात पर आऊँगा जी। हाँ, कि इन दो कारणों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस खेत में पौधे लगाने हैं वहाँ हम दो गहरी जुताई करते हैं, ठीक है। वो चाहे देसी हल से करें या ट्रैक्टर से करें, दो जुताई करनी है, लेकिन उनका जो समय है वो एक निश्चित है, ठीक है। पहली जुताई करते हैं पहली मानसून के बाद में, यानी आम तौर पर जुलाई में पहला मानसून आ जाता है, और पहला मानसून आता है तो उससे क्या होता है कि जितने भी खरपतवार होती है वो उग जाती है। तो पहला मानसून जब आ गया उसके 5 या 6 दिन में, 6 या 5 या 6 दिन बाद में एक गहरी जुताई कर देते हैं और उस खेत को वैसा ही पड़ा रहने देते हैं, ठीक है।
फिर जब मानसून जाने की स्थिति में हो, आमतौर पर ये सितंबर के माह में होता है जी, मानसून जाने की स्थिति जो होती है वो सितंबर में होती है, और एक मौसम विभाग के अनुसार समझो या अपने अनुभव के हिसाब से जी, कि मौसम जब जाने की स्थिति आ जाती है बरसात की, तो वो एक वातावरण थोड़ा सा बदला सा हो जाता है जी। है तो जब ये महसूस हो कि ये अंतिम बरसात हो चुकी है, तो हम दूसरी जुताई करते हैं उसके बाद में, लास्ट मानसून के बाद में दूसरी जुताई करते हैं। ठीक है, दूसरी जुताई करते हैं तो एक तो बरसात में जो बची खुची खरपतवार है, एक तो वो निकल जाती है जी। दूसरी बात यह है कि जो कैपिलरी बनती हैं, सुराखें बनती हैं, सुराखें, मैं एक बार और बीच में रोकना चाहूंगा, एक और दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, आपकी इजाजत हो तो उनसे बात कर लें एक बार जी। राम राम सा। राम राम सा जी। सर मैं बलवंत कुमार बोल रहा हूँ राजसमंद से जी। बलवंत कुमार जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने फोन किया हमें, पूछिए क्या। सर आप प्रोग्राम इस तरह के दिखाते हो, क्या करें, फोन करना पड़ा आज तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूछिए प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ये बता रहे हैं कि एक लीटर पानी में पेड़ के लिए जी, तो मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम राजसमंद साइड में रहते हैं, तो क्या इस तरफ भी ये संभव है, इस तरह की खेती वगैरह जी। सुना राम जी, क्या राजसमंद की तरफ इस तरह की खेती संभव है, इस तरह की तकनीक से? हाँ, ये पेड़ लगाने के लिए ये तकनीक राजसमंद में तो और भी अच्छी रहेगी। मैंने तो इसको जोधपुर में और चूरू में, जहाँ राजसमंद से शायद चूरू में तो आधी बरसात होती है, वहाँ भी लगाया है। थोड़ा सा आप इस तकनीक को थोड़ा पूरा सुन लें, आपके एरिया में भी ये लगा सकते हैं जी। तो मैं ये बता रहा था कि जो दूसरी जुताई करते हैं जी, दूसरी जुताई में सारा खरपतवार निकल जाती है जी, और ऊपरी सतह की आमतौर पर गहरी जुताई 1 फीट के आसपास मानी जाती है जी। तो ऊपरी सतह जो है उसमें न खरपतवार है और न ही उस 1 फीट की सतह में कोई भी सुराखें हैं, कोई कैपिलरी नहीं है जी। लेकिन 1 फीट के नीचे की जो जमीन की परत है, यानी जो जुताई की हुई है, ऊपरी सतह तो जुताई की हुई है, उसमें से जो जुताई की हुई है उसकी 1 फीट के नीचे की जो परत है जी, उसमें सुराखें बनी हुई मौजूद रहती है नीचे की जमीन में जी। हाँ, उन सुराखों से पानी बाहर आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बाहर तो आ नहीं पाता वो, क्योंकि वो 1 फीट के दायरे में न कैपिलरी है न सुराखें हैं जी। हाँ, तो 1 फीट के नीचे यानी जितनी गहरी जुताई की हुई है उसके नीचे आकर वो पानी इकट्ठा होता रहता है जी, और लगातार उनसे चलता है और वहां आकर इकट्ठा हो जाता है वो। तो हम पौधे को इस तरह से लगाएं कि उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन की ऊपरी परत से 1 फीट नीचे गहरी हो। ठीक है, तो वो जो नीचे का पानी आकर इकट्ठा हो रहा है एक फीट नीचे, वो पौधे को मिल जाएगा और उस पौधे को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं जी, उसके तुरंत बाद एक गड्ढा खोदते हैं खुरपी से, ठीक है, 4 या 5 इंच लंबा चौड़ा, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी तो देना नहीं, हमने पौधा लगाना है जी, 4 या 5 इंच लंबा चौड़ा जी, लेकिन गहरा 1.5 फीट हो, ये ध्यान में रखें। ठीक है, लंबा 4-5 इंच चौड़ा, गहरा 1.5 फीट हो जी, और उस 1.5 फीट गहरे गड्ढे में जब थैली प्लास्टिक की उतार कर उस पिंड को लगाएंगे जी सुरक्षित रूप से, तो 10 इंच तो थैली का पिंड होता है आमतौर पर, पौधा जो होता है 10 इंच थैली का पिंड होता है, और 2 इंच उसमें और मिट्टी डालते हैं जी, तो 1 फीट तो थैली का पिंड और उसमें जो मिट्टी डाल गई और गड्ढे में, और 6 इंच बाकी बच गया। ठीक है, उसमें कोई भी 2 ml दवा, कोई भी कीड़ा नहीं काटे, इसलिए कोई जो 2 ml कीटनाशक डाल देते हैं, नीम तेल भी डाल सकते हैं आप, और जो केमिकल दवा है वो भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, वो डालकर 1 लीटर पानी में मिलाकर वो डाल दें, फिर 3-4 दिन हो उसके बाद में जो हमने 2 इंच ज्यादा मिट्टी डाली है ना गड्ढे में जी, हाँ जी, हाँ, थैली के पिंड पर जी, हाँ, उसकी निराई गुड़ाई कर दे, ताकि उसमें जो सुराखें बनती हैं, कैपिलरी बनती हैं, उससे भी पानी बाहर नहीं आए, वो भी तोड़ देते हैं तो पानी बाहर नहीं आए। उसके बाद में उस पौधे में कभी भी पानी देने की जरूरत नहीं होगी, एक बात। ठीक है, अब सावधानी इसमें रखनी है, एक तो जो पौधा लेकर आते हैं लगाने के लिए उसमें पूरी नमी हो। ठीक है, पौधा लाकर रखते हैं, रखे नहीं छोड़ना चाहिए, नमीयुक्त पौधा लेकर आओ, तुरंत गड्ढा खोदो जी,
तुरंत पौधा लगाओ और तुरंत उसमें 1 लीटर पानी दो। ये जो 4 काम हैं जी, पौधे को लाना पौधशाला से, गड्ढा खोदना, पौधे को लगाना और 1 लीटर पानी देना, ठीक है, ये चारों काम साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि उसमें न गड्ढे की नमी को कम होने देना है, न पौधे की नमी को कम होने देना है और न पानी देने में देरी करनी है। ये चारों काम साथ चलने चाहिए, उसके बाद में आपको कभी भी पानी देने की जरूरत नहीं होगी। आगे जो काम करना है वो ये हमें ये करना है कि 3 महीने में, जब तक अगला मानसून नहीं आए, जैसे सितंबर में हम पौधे लगाते हैं, तो 3 महीने में क्रॉस कल्टीवेशन उस खेत की पूरे की कर देते हैं, यानी दोहरी जो जुताई है वो कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो बीच में कोई कैपिलरी बन जाती है पड़ी हुई जमीन में, तो वो टूट जाती है, और 3 या 4 बार ये अगली मानसून तक करना पड़ता है, और उसके बाद में मानसून आ जाता है तो कभी भी फिर पानी की जरूरत नहीं। कुल मिला के अगर शॉर्ट पे समझें, इसे छोटे सूक्ष्म तरीके से समझें, तो ये है कि एक तो खरपतवार को आप नियंत्रण करते रहें, खरपतवार ना लगने दें, और दूसरी चीज़ ये कि कैपिलरीज जो बन रही हैं, जो सुराख बन रहे हैं, उन्हें ना बनने दें, बार बार निराई गुड़ाई चारों तरफ करते रहें। जी, एक और दर्शक है इस समय जो कि आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि अजमेर से बोल रहा हूँ मैं, मेरा प्रश्न है कि जो 1 लीटर पे पानी के अंदर जो पेड़ उगा रहे हैं जी, इसका प्रशिक्षण लेना हो तो हमें कहाँ से लेंगे? जी हाँ सुना राम जी, लोगों को समझ में आने लगी है तकनीक, धीरे धीरे जानना चाहते हैं कि अगर हमें खुद करके देखना हो या सामने प्रैक्टिकल इसका अनुभव करना हो तो कहाँ उन्हें आना चाहिए? देखिए इसमें थोड़ा अनुभव भी चाहिए जी, और लगे हुए पौधे भी देखने चाहिए कि वो कैसे हैं, कैसी उनकी बढ़वार है, कितना समय उनको लगाए हुए हुआ है। तो ये तो आपको मुझसे ही संपर्क करना पड़ेगा जी, क्योंकि बिना पूरी जानकारी के, अगर आपको पूरी जानकारी हो गई तो आपको इसमें लगाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप आसानी से अपने खेत में इन पौधों को लगा सकते हैं, और मेरे फ़ोन नंबर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, आप जब भी अगली बार फ़ोन करेंगे तो उस समय अगर आप इनके नाम से हमसे नंबर मांगेंगे, हम आपको इनके नंबर उपलब्ध करवा। सुनाराम वर्मा जी ने, जिन्होंने प्रयास किया है कि पेड़ों को कम से कम पानी में जीवित रखा जाए, और अब तक 50,000 पेड़ वो लगा चुके हैं इस तकनीक से। सुनाराम जी, हाँ, किस किस एरिया में लगाए हैं आपने 50,000 पेड़? देखिए मेरे गाँव में गौशाला में लगे हुए हैं जी, और गौशाला वालों ने कहा कि पानी नहीं है, हरा चारा नहीं है, इसलिए चारे वाले पौधे लगाओ, तो मैंने वहाँ 1,000 अरडू लगाए हुए हैं जी, दांता गौशाला में, मेरे गांव में। और ONGC ने एक प्रोजेक्ट दिया था, हालांकि उन्होंने काफ़ी लगाने के लिए बात की थी, लेकिन वो कई परिस्थितियाँ आती हैं कि वो आगे नहीं लगा पाए, तो जोधपुर में मैंने लगाया है, ठीक है, लोनी रोड पर सालावास गाँव है जी हाँ, और उस गाँव में एक गर्ल्स स्कूल है, तो 1 हेक्टर में वहाँ ये पौधे लगाए हैं। उन्होंने नीम के लिए कहा था तो मैंने नीम के पौधे वहाँ लगाए हैं, हालांकि नीम के साथ में मैं जहाँ भी पौधे लगाता हूँ तो पाँच सात पौधे सब तरह के लगा सकता हूँ, उसमें शीशम भी है, नीम भी है, रोयडा है, अरडू है। तो एक बात तो आपने बताया कि जब भी लगाएं इस तरह के पेड़ तो कई मात्रा में लगेंगे, तब ये तकनीक कारगर होगी जी, ठीक है, हाँ, एक या दो पेड़ या 5 पेड़ 7 पेड़ में तकनीक कारगर नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये पूछना चाह रहे हैं सर, अब तक इस तकनीक पे आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, किस किस ने देखी इस तकनीक को, किस किस ने इस पे, क्या उनके रिमार्क्स रहे, सरकार में से किसी ने इस पे ध्यान दिया, क्या बताना चाहेंगे कुछ? देखिए इस तकनीक को एक ग्राम सेवक से लेकर जी वाइस चांसलर तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जी, एक फॉरेस्ट गार्ड से लेकर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जी, और एक पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी, और एक वार्ड पंच से लेकर मुख्यमंत्री, उन्होंने इस तकनीक को देखा है, और 2 डायरेक्टर जनरल ICR, जिसमें एक तो बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन साहब, जिन्होंने मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थी वसुंधरा जी, उन्होंने उनके साथ में देखा है, और उन्होंने एक कार्यक्रम भी बनाया था, लेकिन वो बाद में
जब सरकार चली जाती है और कार्यक्रम बनता है तो फिर वो सारे अफसर वगैरह भी बदल जाते हैं जी, तो वो प्रोग्राम वहीं रह गया। इसी तरह से एक बार एक कार्यक्रम में गहलोत साहब ने भी इस कार्यक्रम को देखा था जी, तो उन्होंने आते ही पूरे राजस्थान में इस तकनीक को लागू ही कर दिया था एक तरह से। सीकर में मैंने इसको लगाए हुए हैं, पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं वो पौधे, लेकिन जब वो कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसके बाद में वो सरकार भी नहीं रही थी, तो उसमें भी अफसर जब बदल जाते हैं, जो कार्यक्रम को चलाने वाले, नीति निर्धारण करने वाले सब बदल जाते हैं, तो फिर वो कार्यक्रम को समझने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अब गहलोत साहब वापस सत्ता में हैं और हो सकता है आपने जिस योजना को लागू किया था वो एक बार दोबारा से प्रारंभ की जा सके। हाँ बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ, और हर साल कहीं ना कहीं मैं नया प्रयोग ये लगाता हूँ। इस साल जो हिंगोनिया गौशाला है, जो आपको पता भी है कि काफ़ी चारे के लिए काफ़ी मुश्किलें आती हैं कई बार, तो वहाँ मैंने कुछ अरडू और नीम और कुछ मेडिसिनल प्लांट भी सम्मिलित है उसमें, एक हेक्टर में वो पौधे लगाए हैं इसी सितंबर में, अभी 6 महीने हो गए हैं उनको लगाए हुए। 6 महीने पहले 1 लीटर पानी दिया था और वो पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं, और मई जून में भी आप उन पौधों को देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी झील के किनारे हैं, जबकि वो एकदम बालू रेत और यहाँ की जयपुर की मिट्टी आप जानते हैं कैसी है, उसमें लगे हुए हैं वो सारे के सारे पौधे। एक और दर्शक हैं इस समय जो कि आपसे रूबरू होना चाहते हैं अपनी किसी शंका के साथ। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी, अनार का पौधा है लेकिन सारी की मात्रा होने के कारण आपसे निवेदन है आप एक बार दोबारा अपना प्रश्न पूछें, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। अनार जब पौधा खड़ा हुआ है तो उनकी जड़ में दम हो रही है, उनकी मात्रा जो वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा है। आप शायद सही नेटवर्क एरिया में नहीं है, आपकी आवाज कट कट कर हम तक पहुंच रही है। आप लोगों से मैं हमेशा यही निवेदन करता हूं कि जब भी आप हमें फोन करें, जब भी आप हमसे बात करना चाहें, तो किसी ऐसे एरिया में जाएं जहां की नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, रेंज अच्छी आ रही हो, और अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दिया करें जिससे कि आपकी बात हम तक आराम से पहुँच सके और हमारे एक्सपर्ट की इसका समाधान आप आराम से सुन सकें। जी साहब, तो आपने बताया कि आपने जगह जगह पेड़ लगाए, आपने तकनीक लोगों को सिखाने की कोशिश की होगी, क्या उन लोगों ने भी इसको अपनाया और इसका रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए, ये जो पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम है वो मैंने निवेदन किया था कि ये लगभग सार्वजनिक चीज़ों पे, जगहों पे ज़्यादा लगता है जी हाँ। और उसमें सरकार की भी कई योजनाएँ हैं, कई जो इंडस्ट्री वाले हैं वो भी देखते हैं जी। पहले बहुत सारी इस पे योजना बनी लेकिन वो कई कारणों से वो आगे नहीं बढ़ी बात, बाकी लगाना सब चाहते हैं, जब पानी पीने के लिए नहीं है तो पेड़ों के लिए कहाँ से आएगा। इसलिए हर आदमी इसको जब समझ जाता है कि ये पौधे लग रहे हैं, उनके समझ में केवल इतना आना चाहिए कि हाँ ये पौधे जो लग रहे हैं और सही लग रहे हैं, ये बात जब समझ में आती है तो हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी कुछ करवाना चाहता है। तो एक तो कारण ये था कि देखना, देखने कौन जाए। एक छोटी सी अड़चन तो ये थी कि देखो इसमें न गड्ढे खुदने का कोई बजट बनता है जी, न पानी देने का कोई बजट बनता है जी, तो महंगी तकनीक को हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं जी, बहुत पैसे वाली तकनीक को, और बिना पानी वाली सस्ती तकनीक को हम संकोच करते हैं, ऐसा एक तो मेरा अनुभव यह है। दूसरा यह है कि जहाँ भी जिसने भी देखी है इस चीज़ को, चाहे वो किसी भी किस्म के, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे वो पॉलिसी मेकर हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, सबने इस काम को आगे बढ़ाने की सोची है, लेकिन कई कारणों से वो काम आगे नहीं बढ़ा। अभी जो हिंगोनिया गौशाला में जो पौधे लगाए हैं उनको बहुत ही कुछ जो इंडस्ट्री जो जिनके हैं, जो जिनके पास CSR का बहुत पैसा होता है और वो ऐसे कामों के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं जी, जी, जी। उन लोगों ने देखा है इस कार्यक्रम को, और अब जयपुर में जब लगाया है तो इसको और भी बहुत सारे लोग देखेंगे, और जब देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे ये काम बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इस कार्य की तकनीकी सबको जानकारी है, वो केवल एक बार देखें
और देखने के बाद में वो निर्णय जो करेंगे वो शायद वो सही दिशा में ये कार्यक्रम जाएगा। जी हाँ, तो क्या लगता है आपको, आप जब प्रशिक्षण देते हैं उसके बाद लोग लौट के आते हैं बताते हैं आपको कि हाँ हमने लगाया, या प्रशिक्षण देने के बजाय आप सिर्फ खुद ही पेड़ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें? नहीं, इसमें प्रशिक्षण का कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। अच्छा, मतलब अभी तक जितने पेड़ लगाए आपने लगाए, आपसे सीख कर अभी किसी ने लगाना शुरू नहीं किया? जो भी लगाया है वो मैं खुद जाकर मेरी देखरेख में लगे हैं। तो आपने बताया कि आप बहुत सारे संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ जाते भी हैं लोगों को बताने करने, तो वहाँ से क्या वहाँ के इंस्टीट्यूट या वहाँ के लोग इसे अपनाते नहीं हैं, इस तकनीक को? नहीं, तकनीक तो मैं बता रहा हूँ ना कि सार्वजनिक जगह है। देखो, आप जब पूरा कहाँ कहीं भी निकलेंगे जी, तो आप पूरे राजस्थान में या तो ये इजरायली बमबूल मिलेंगे आपको 90%, या ये विलायती बमबूल है वो मिलेंगे, और पश्चिमी राजस्थान में तो सड़कों पर भी जो पहले के लगे हुए हैं वो यही पौधे हैं। अब कुछ नया बदलाव जरूर हुआ कि छायादार पौधे, इमारती लकड़ी वाले। एक और दर्शक है इस समय फोन लाइन पर मौजूद। जी, राम राम सा। जी जी सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी, कि जो ये अलग अलग जो पेड़ होते हैं ना, अलग अलग किस्म के जो पेड़ होते हैं जी, उनकी जड़ें भी अलग अलग होती हैं जी। तो हाँ, इस तकनीक से क्या 1 लीटर पानी में सभी को इसी तरीके से उगाया जा सकता है क्या? जी हाँ, ये भी सर इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। अलग अलग तरह की जड़ें होती हैं, अलग अलग किस्म के पेड़ होते हैं, किसी की जड़ें फैलती हैं, किसी की जड़ें बहुत नीचे जाती हैं, तो क्या सभी इसी तकनीक से उगाए जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने ये जो प्रयोग है जी, वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये जो 3 जिले हैं, वहाँ मैंने वहाँ की परिस्थिति में नहीं किए हैं। ठीक है, बाकी चूरू, सीकर, नागौर, जयपुर, ये जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है जी, इसमें मैंने ये प्रयोग किए हैं, और बाकी जगह जो बाकी राजस्थान है उसमें यहाँ से ज़्यादा ही बरसात होती है जी। हाँ, तो वहाँ कोई शंका नहीं है। जिस क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से पौधे हैं, नीम है, शीशम है, देसी बम्बूल है, रोइड़ा है, अरडू है जी, ये जितने भी बकाइन हैं, जितने भी पौधे जो जिस क्षेत्र में हैं जी, वो सभी पौधे उस क्षेत्र में 1 लीटर पानी वाली तकनीक से बहुत आसानी से लग जाएंगे जी। नहीं, उनका प्रश्न ये था, क्या किसी भी तरीके का पौधा लगाया उसकी कोई अलग से कुछ उसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती, जो आपने तरीका बताया उसी तरीके से वो किसी पेड़ को लगा सकते हैं जिन एरियाज की आपने बात की है? हाँ, वो ही पेड़ जो जो उनकी उस उनके क्षेत्र में है जी, जो भी उनके क्षेत्र में जो पेड़ लगे हुए हैं प्राकृतिक रूप से, वो सारे छायादार हो, इमारती हो, या ये चारे वाले हो, जो भी पेड़ हैं वो सारे के सारे इस तकनीक से उस क्षेत्र में लग सकते हैं। ये तो हुई बड़े पेड़ों की बात, और अगर हम साधारण फसलों की बात करें, जो कि हम मौसमी फसलें करते हैं, सीजनल जो फसलें करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, क्या उनमें भी इस तकनीक को अपनाया हुआ है आपने? देखिए, उस तकनीक में ये निश्चित है कि कुछ फसलें बहुत नज़दीक होती है, जो गेहूं है जी, ये थोड़ी बहुत नज़दीक होती है, बाकी जो बड़ी फसलें हैं जैसे सरसों है, कपास है, बाकी और बाजरा है, इनमें निराई गुड़ाई और खरपतवार मुक्त अगर खेत रखें जी, तो आप बहुत कम बरसात में भी अच्छी फसल ले सकते हैं। एक तो ये बात है जी। दूसरा क्या है कि हम जो हमारी परंपरागत है, जैसे जितनी भी पत्तियां हैं पेड़ पौधों की, हर खेत में पेड़ पौधे होते हैं जी, हर गांव में पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां भी होती है, उनको इकट्ठा भी करते हैं हम किसी न किसी रूप में, पेड़ों की कतार में अगर उन पत्तियों को रखें, हालांकि आज की नई तकनीक में प्लास्टिक वगैरह है, लेकिन उसका एक दायरा है कि ये विभाग कितना उसको कर सकता है, कितने किसानों को दे सकता है, उसका एक सीमा है जी। बाकी हर खेत में पेड़ होता है, हर पेड़ की पत्तियां होती हैं, अगर हम थोड़ा सा भी उनमें मेहनत करें जी, पत्तियों को, इस तरह की चीज़ों को, अगर खरपतवार भी हो जाए उसमें जी, वो भी अगर कतारों के बीच में रखें, निराई गुड़ाई करें, खरपतवार मुक्त रखें, तो बहुत कम पानी में बहुत अच्छी फसल हम किसी भी फसल में ले सकते हैं। ये तो हुई पानी की बात, इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे नवाचार कर रहे हैं कृषि में, कुछ अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के सदस्य भी हैं।
क्या और आपकी उपलब्धि रही, क्या और आप इसके अलावा कर रहे हैं? देखिए, जो मैंने सबसे पहले बताया था कि जो राजस्थान में मुख्य रूप से 15 फसलें बोई जाती है जी, जिसमें कुछ सब्जियां भी हैं, मसाले भी हैं, अनाज की भी है, तिलहन भी है, सारी फसलें हैं, दाल वाली भी है जी, उन फसलों की जो किसानों के खेतों में जाकर 700 से अधिक प्रजातियां इकट्ठी की जी, और उन सभी का पूरी तरह से विश्लेषण किया जी, कि वो कितनी पैदावार देती है, ज़्यादा पानी की है या कम पानी की है, रोग रोधक है या सूखा सहनशील है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक पेड़ के लिए ज़रूरी जी, वो सारा अध्ययन करके मैंने उसको उनमें से बहुत सारी चीज़ों को नेशनल जीन बैंक में दे दिया और कुछ को विश्वविद्यालय में दे दिया जी। उनमें एक बात देखने में आई कि देसी चीज़ों में, देसी किस्मों में भी बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जी जो विकसित किस्मों के बराबर पैदावार देती है या गुणवत्ता में उनसे कहीं आगे है जी। तो उनमें से एक मैंने तैयार की है काबली चने की किस्म जी। उसकी विशेषता ये है कि ये किसी भी किस्म से, जो भी चने की किस्में हैं उनसे पहले तैयार होती है, तो कम पानी में तैयार होती है जी। दूसरा, इसका दाना मोटा है तो इसकी बाजार की जो कीमत है वो अच्छी ज़्यादा मिलती है जी। तीसरा, इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है, तो अच्छी पैदावार कम समय में और ज़्यादा कीमत जी, ये विशेषताएं हैं जी। तो जो भी किसान कोई किस्म तैयार करता है तो उसको एक परीक्षण के दौर से गुजरना होता है जी, और वो भारत सरकार का एक एक उपक्रम है जिसको PPVAND FRA बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी जी। एक इस प्रकार का अभिकरण बना हुआ है जो किसान की किस्म को परीक्षण करता है और उसमें जो किसान गुण बताता है वो अगर मौजूद होता है तो उसको मान्यता दे दी जाती है, और उस वो किस्म मेरी इसको मान्यता दे दी गई है जी। इसके साथ में एक मिर्च की किस्म भी तैयार की है मैंने, जिसकी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जिसकी कलर वैल्यू है जी, पहली तीन उसमें वो सम्मिलित है। पैदावार तो अच्छी है ही जी, लेकिन अच्छा रंग है उसका। और सरसों की कुछ प्रजातियां इकट्ठी की हैं जी, तैयार की हैं जो पीली हैं और राई प्रजाति में है, तो पैदावार भी बहुत अच्छी है। देसी चने में अच्छी किस्म तैयार की है और देसी गेहूं की किस्म तैयार कर रहा हूं मैं। एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, रूबरू होना चाहते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। जी राम राम साहब। जी राम राम साहब। जी साहब, मैं प्रोग्राम देखा अक्सर, बहुत चौको लगे मने। कहाँ से बोल रहे हैं आप? साहब मैं सीकर से बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत आभार आपका। साहब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, और कौन कौन सा तरीका हो सके जिससे आप पानी बचा सका? जी हाँ सुना राम जी, और कौन कौन से तरीकों से पानी बचाया जा सकता है, आपकी तकनीक तो है। कम पानी में और अधिक आप पैदावार कर सका जिससे आप बहुत अच्छा कमा सका साहब। जी हाँ बिल्कुल सही प्रश्न है आपका सुना राम जी। देखो साहब, सीकर के साइड में थोड़ा सा पथरीलो एरिया है थोड़ा। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, आपको जवाब दे रहे हैं सुना राम जी। जी देखो, अगर आज थोड़ो अध्ययन करें ना अपन, तो जो जी हाँ अरडू का पौधा है ना, अरडू का पौधा एक पौधे से 1 क्विंटल चारा मिलता है जी, और 1 हेक्टर में 500 पौधे आते हैं जी, 4x5 मीटर पर। तो 500 क्विंटल चारा 1 हेक्टर से मिल सकता है, और 500 क्विंटल अगर रिजका हम तैयार करें तो कितने पानी देने पड़ते हैं, कितने उसमें खाद का खर्चा है, कितने उसमें सिंचाई का खर्चा है। तो आजकल जो पेड़ों की खेती है, अगर पानी नहीं है अपने पास या बहुत कम है, तो जो पेड़ हैं आजकल के उनसे भी हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और आजकल तो ये खेजड़ी की भी नई किस्में आ गई जो बहुत अच्छी पैदावार फलियों की देती है, जो बहुत महंगी बिकती है जी। बाकी हम कम पानी के अंदर सरसों, चना, ये ऐसी चीज़ें, बाजरा, मूंग, मोट, ये बोना चाहिए। थोड़ी मूंगफली और जो ये ज़्यादा पानी वाली चीज़ें हैं उनको हम कम कर लेना चाहिए।
और कम पानी वाली फसलों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। जी हाँ, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी तरीके हैं जो कि विज्ञान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया या सिंचाई वाली जो चीज़ें हैं उन्हें अपनाएं, जिससे कि आपका पानी जितनी पौधे को ज़रूरत है उतना ही खर्च हो, बाकी का पानी इधर उधर वेस्ट ना हो। जी, इसके अलावा सर आप कुछ किस्मों के बारे में बता रहे थे, उसमें गेहूं की किस्म के बारे में बातचीत कहनी बाकी रही। किस्म जो है जी वो आज भी हर एक व्यक्ति, चाहे किसान हो, चाहे कोई शहर का हो या कोई और हो, देसी गेहूं खाना चाहता है। जी, किसान भी चाहता है कि देसी गेहूं उपजाएं, लेकिन वो आड़ी गिर जाती है, लंबी होती है जी, तो वो पैदावार कम देती है जी। मैं इस प्रयास में हूं कि देसी किस्म ऐसी हो जो आड़ी नहीं गिरे जी, और इसमें काफ़ी सफलता मिली है और कम से कम 2 साल और लगेंगे उसमें, ऐसी जो किस्म को ढूंढ लिया गया है और जो आड़ी नहीं गिरेगी और लगभग विकसित किस्मों के आसपास उसकी पैदावार होगी, दाना और क्वालिटी वैसी होगी जैसी देसी किस्मों की होती है। जी हाँ, सुनर राम जी, आप लगातार इस तरफ प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास करते रहे। एक और दर्शक हैं इस समय जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। साहब, इस तकनीक में कितना खर्चा आ जाएगा? जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है जो राजस्थान का किसान सबसे पहले पूछते हैं, हालांकि हमारे इस कार्यक्रम में सबसे लास्ट में पूछा गया है। सुनाराम जी, देखो जो 1 लीटर पानी वाली तकनीक है ना, इसमें जो हम खड्डे खोदकर पानी देकर जो पेड़ लगाते हैं जी, उससे 1/3 या खर्चा कम आता है, कम से कम 1/3, नहीं तो आधा खर्चा ही लगता है, क्योंकि इसमें जुताई होती है, बाकी तो खड्डा भी नहीं खोदना पड़ता और पानी भी नहीं तो देना पड़ता, बचाया जाता है, खर्चा कम होता है नहीं इसमें। नहीं, एक्चुअली वो जानना चाह रहे थे किसी प्रकार का कुछ और खर्चा इसमें तो नहीं लगता है, कोई दूसरी चीज नहीं देनी है, कोई कुछ नहीं करना है इसमें, खर्चा कोई ज्यादा खर्चा लगता है, उस खर्चे को कम करने का तरीका है, जो पानी लगता है उस पानी को कम करने का तरीका है, ये दोनों ही बातें। सुनाराम जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को, क्योंकि हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंतिम चरण में है, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को पानी बचाने के बारे में? देखिए, एक तो किसान जो है उसका खुद का अनुभव और जो सरकारी जो कार्यक्रम चल रहे हैं पानी बचाने के, उनको साथ लेते हुए एक तो अपना अनुभव उसको मिलाकर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, ये 1 लीटर पानी वाली तकनीक जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके और पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए, और पेड़ पौधे आगे चलकर हो सकता है कि हमारा जो, जैसे फसलें आज किसानों के लिए जीवन का आधार है, पेड़ पौधे भी बन सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से आजकल तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं, चारा है, इमारती लकड़ी है और जलाऊ लकड़ी है, इसके साथ में खिलौने बनाने के लिए हैं और कई चीज़ों में तेल, गोंद, कई तरह की चीज़ें जो हैं वो आजकल पेड़ पौधों से मिल सकते हैं, तो हम इसको अपने कार्यक्रमों में, खेती के कार्यक्रमों में इसमें ले सकते हैं। इसके साथ खेती भी है वो साथ साथ की जा सकती है, कोई बाधा नहीं पड़ती खेत पेड़ होने से। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पता नहीं कितनी सदियों पहले कह गए थे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जी हाँ, इस पानी को बचाना बहुत आवश्यक है और इसीलिए सुंडाराम जी जैसे लोग जो कि कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि पानी कम से कम लगे और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगे। सुंडाराम जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, आपने अच्छी तकनीक बताई जिससे कि पानी को बचाया जा सकता है। मैं सभी किसान भाइयों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन किसान भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने प्रयास किया हमसे जुड़ने का पर वो नहीं जुड़ पाए। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नई तकनीक के साथ, किसी नई बात के साथ, किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।